ओके जी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की बड़ी अच्छी एमसीक्यूस पेपर में आई हुई। प्रोटीन कंपोस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इज कॉल्ड। अब देखो, सिंपल प्रोटीन वो होता है जो हाइड्रोलाइसिस पे सिर्फ अमाइनो एसिड दें, और अगर कोई दूसरा ग्रुप भी साथ हो जिसे प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। अगली एमसीक्यूज यही है, द नॉन प्रोटीन सस्टेन इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अभी कोई भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन कॉन्जुगेटेड। तो देखो, हेमोग्लोबिन भी है, साइटोक्रोम्स है, ये भी है जी, लाइपोप्रोटीन है, ये भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, फिर है न्यूक्लियो प्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ बेसिक प्रोटीन लाइसिन एंड आर्गेनाइन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड आर कॉल्ड। तो भाई इसको कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर है ग्लाइकोप्रोटीन की, प्रोटीन विच आर इन कम्बिनेशन विद कार्बोहाइड्रेट मोस्ट्रेसिस इंक्लूजिंग हेक्सोक्सिस एक्सोमाइन हेस्ट्रस एसिड आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और न्यूक्लियो का मतलब होता है ऑफकोर्स नाइट्रिक एसिड। फॉस्फोप्रोटीन यानी फॉस्फोरिक एसिड, प्रोटीन लाइक केरासिन फ्रॉम मिल्क एंड विटेलिन इन एग योक विच कंटेन फॉस्फोरिक एसिड इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो अभी जिक्र कर चुका हूँ फॉस्फोप्रोटीन। फिर है क्रोमोप्रोटीन के हवाले से, प्रोटीन विच आर कलर ड्यू टू देयर प्रोस्टेटिक ग्रुप, यानी जो नॉन प्रोटीन ग्रुप है उनको हम क्या कहते हैं जी, क्रोमोप्रोटीन। फिर है डैश कंटेन्स हेम एंड आयरन कंटेनिंग फोटोफॉरफिन, तो मायोसिन। फिर है डैश कंटेन कैटरेट पिगमेंट इन वूल वेदर एंड स्किन प्रोटीन, तो आंसर है मेलानिन।